नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2+10। आजमगढ़ शहर में गुरुवार को अयोध्या से आई पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पूजन के संबंध में लोगों को आमंत्रण के साथ जागरूक भी किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस पावन अवसर पर होने वाली खुशी अब आजमगढ़ में भी दिखने लगी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जनजागरूकता के लिए आयोजित अक्षत कलश यात्रा में यह उत्साह नजर आया। शहर से बड़ी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। यात्रा हरिओद कला केंद्र से निकलकर शहीद द्वार, अग्रसेन चौराहा, बड़ादेव, शंकर जी की मूर्ति चौक, पुरानी कोतवाली, दलाल घाट, कालिनगंज चौक, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए वापस हरिओद कला केंद्र पर संपन्न हुई, जहां खंड को कलश वितरित किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारीगण, विहिप के पदाधिकारीगण के साथ बीजेपी के लोग एकत्र हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित थी। अयोध्या से आए पूजित अक्षत से भरे कलश महिलाओं ने सिर पर धरे और यह यात्रा रवाना हुई। इस दौरान हरेक चौराहे तिराहे पर यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ। यात्रा संपन्न होने पर अलग अलग स्थानों से आए पदाधिकारियों को कलश सौंपे गए। इस दौरान संघ और भाजपा के विभिन्न आनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा शहर के प्रमुख लोग भी शामिल रहे। जन्मभूमि का लोकार्पण पूजन 22 जनवरी को तय हुआ है। उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक हिंदू जनमानस में इस भावना के साथ कि भगवान का पूजन बड़े सौभाग्य से मिला है, तो उसी के लिए अक्षत पूजित अक्षत अयोध्या से चल के आजमगढ़ नगर आया है और आज उसका नगर में भ्रमण कराया जा रहा है। ये यहाँ से शंकर जी की मूर्ति चौक, पुरानी कोतवाली, दलाल घाट होते हुए कालीनगंज, पुनः चौक, सब्जी मंडी होते हुए शंकर जी मूर्ति यहाँ कला भवन पर समाप्त होगा। इसका उद्देश्य 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक परिवारों में अक्षत मिलता और 22 को हमारे मंदिरों में पूजन हो, इसके लिए जन जागरूक यात्रा है। आजमगढ़ जिले के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में चल रही परीक्षा के अंतर्गत कागजों के अनुरूप हिस्ट्री का पेपर एक दिन पूर्व ही हो चुका है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने कुलपति कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की यह कोई पहली गलती नहीं है, विश्वविद्यालय छात्रों को लूटने का जरिया बन गया है। आज हिस्ट्री 5th सेमेस्टर का पेपर था, जो कि एडमिट कार्ड में 21 दिसंबर को दर्शाया गया था, जबकि स्कीम में 20 को दर्शाया गया था। इस कारण पेपर देने आए छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
इस बारे में परीक्षा देने आए छात्र का कहना रहा कि आज हम लोगों का कंप्यूटर साइंस का पेपर था। उसके बारे में जब आज हम लोग आए तो बताया गया कि पेपर हो गया है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं गया है उसमें भी बैट लगाया जा रहा है। एक पेपर की अलग से फीस 600 रुपए ली जा रही है। तीनों सेमेस्टर में बैट लगाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि 21 दिसंबर को कंप्यूटर साइंस का पेपर होना था, जिसे 20 को करा दिया गया। इस बारे में बच्चों को जानकारी नहीं दी गई। हिस्ट्री के पेपर के दिन उसमें पेपर नहीं था। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। वहीं छात्र दिवाकर मौर्य का कहना है कि आज हिस्ट्री का पेपर था जो कैंसिल करा दिया गया। पेपर आया ही नहीं कॉलेज में, जिस कारण छात्रों को काफी समस्या हुई। यह कोई पहली गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी छात्रों को लूटने का जरिया बनी हुई है। सर, हम लोग आज धरने बैठे हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली है। आज जब बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री के एग्जाम थे, क्योंकि सेंटर डीएवी कॉलेज में पेपर आया ही नहीं, तमाम छात्र बहुत परेशान, बहुत प्रताड़ित हुए। ये सूचना डीएवी कॉलेज को 7:30 बजे मिल गई थी कि हमारे यहाँ पेपर आया ही नहीं है, लेकिन ये सूचना छात्रों तक नहीं पहुँचाई, उन्हें गुमराह करता किया गया है। उनको 2 घंटे बाद उन्हें बताया गया कि आपका पेपर आया नहीं, आपका पेपर कैंसिल हो जाता है। इसको लेकर हम लोग आज बड़े धरने बैठे हुए हैं। हमारी ये मांगे हैं कि यूनिवर्सिटी एक नई डेट निर्धारित करे और छूटे हुए छात्रों का एग्जाम दोबारा करवाए। इस बारे में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा का कहना है कि आज बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बारे में जिले के सभी सेंटरों को सूचना दे दी गई थी कि यह पेपर बाद में कराया जाएगा। आज का पेपर 6 जनवरी को होगा। कंप्यूटर का पेपर जो 20 को होना था 21 को हो गया। उसमें एक मिस्टेक कंप्यूटर एजेंसी की तरफ से हो गई थी। एडमिट कार्ड में 21 को दर्शाया गया था, जबकि स्कीम में उसे 20 को दर्शाया गया था। जो छात्र जो कुछ यहाँ पर आए हैं, वो डीएवी कॉलेज के छात्र हैं जो यहाँ पर आए थे, और वो परीक्षा के संबंध में जिक्र कर रहे थे कि उनका एक पेपर छूट गया है। आज हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन वो कुछ अपरिहार्य कारणों से वो पेपर कुछ मतलब ये कहिए गलती हो गई विश्वविद्यालय के पार्ट पे, तो वो पेपर आज नहीं हो पाया है। इस पेपर को विश्वविद्यालय द्वारा कराएगा, और संभवतः इसको 6 जनवरी को हम करा देंगे, 6-8 जनवरी को। आज ही नोटिस इसका जारी करा देंगे, तो इसमें छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा एक इशू इनका ये भी था कि बीएससी और बीकॉम के बच्चों का एक माइनर पेपर कुछ छात्रों का छूट गया है। हालांकि उस संबंध में विश्वविद्यालय ने क्लेरिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था कि जो एडमिट कार्ड पर जो 21 डेट छप गई है वो 20 तारीख है, और ये पेपर 20 तारीख में होगा, और स्कीम में भी ये पेपर 20 तारीख में ही था, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों का पेपर छूट गया है। ज़्यादातर छात्रों ने परीक्षा दी है इसकी, लेकिन जिन छात्रों का छूट गया है, और क्योंकि विश्वविद्यालय के पार्ट पर एडमिट कार्ड में वो एक मिस्टेक हो गई है, भले ही विश्वविद्यालय ने क्लेरिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन उस कारण से जो पेपर छूट गया है उसको भी विश्वविद्यालय द्वारा करा देगा जिनकी परीक्षाएं छूटी हैं। तो ये इशू है सर। जैसे उनके कहने का मतलब ये था कि एग्ज़ाम शुरू होने के 3 घंटे पहले ही पेपर आ चुके थे, तो बच्चों को 3 घंटे बैठा करके पेपर आया ही नहीं था, उनको बताया गया बाद में ये बात, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी प्रभावित करती हैं। नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है, मान लिया कोई पेपर की शॉर्टेज हो या पेपर वो ना हो, तो उसकी सूचना तुरंत दे दी जाती है। हाँ, तो परीक्षा नियंत्रक उसकी सूचना तुरंत दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि बिना पेपर के छात्रों को 3 घंटे बैठा लिया जाए, वो तो नहीं, मैं समझता कि ऐसा किया गया होगा। इतिहास का पेपर था सर? हाँ, वो 3 घंटे बैठाना उचित नहीं है। जब पेपर नहीं है तो फिर 3 घंटे बैठाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप किस तरह से इस चीज़ को कैसे मॉनिटर किया गया है, कैसे देखा गया है? इसको हम द्वारा करा देंगे परीक्षा को। अच्छा, हाँ, छात्रों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और क्योंकि विश्वविद्यालय का पेपर खुद नहीं आ पाया है, तो इसमें बच्चों को ना आर्थिक रूप से हम कोई नुकसान होने देंगे, ये नहीं है कि द्वारा कोई फीस ली जाएगी, फ्री ये होगा, और उसकी दूसरी तिथि आज ही हम घोषित करा देंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी व राहुल गांधी का पुतला फूंका, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के निर्देशानुसार उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में भाजपा नेता व कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर राहुल गांधी व तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ का मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया गया और कुकृत्य का वीडियो कांग्रेस राहुल द्वारा बनाया गया, इसका भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए माफी मांगने की मांग किया। जिले से भाजपा के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के राकेश सिंह, जिला मंत्री पवन सिंह, शशिकांत राय, जिला मंत्री अजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा दीपक सिंह सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के अपमान की घोर निंदा की। ऋतु के आह्वान पर किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हम सब यहां पे कलेक्टर चौराहे पर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया, जो कि हमारे महामहिम एक गरीब के बेटे को ये लोग कुर्सी पे बैठना शोभा नहीं दे रहा है, किस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वे पूरे देश में जिस तरीके से ये लोग मजाक उड़ा करके उनका अपमान किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज हम सब एक प्रतीकात्मक वहाँ पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सखियां ब्लॉक अंतर्गत नबी बुजुर्ग गांव में एक दिन पूर्व विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान हंगामा का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान पुलिस की भी मौजूदगी वीडियो में दिख रही है। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने गुरुवार को बताया कि कार्यक्रम के आयोजन के बाद किसी युवक ने माइक पर कुछ बोलना शुरू कर दिया, जिसको लेकर प्रधान ने ऑब्जेक्ट किया। मामले की जांच इंस्पेक्टर मुबारकपुर राजेश कुमार को सौंपी गई है। जैसी जांच रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। बता दें कि इस समय जनपद भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत नीबी बुजुर्ग गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक स्तर के तमाम अधिकारी गण और कर्मचारी गण के साथ ही स्थानीय प्रधान भी मौजूद थे। लोगों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया गया था। कार्यक्रम समाप्त हो गया था, लोगों की भीड़ तब भी मौजूद थी। इसी दौरान खाली माइक का फायदा उठाकर एक युवक मंच पर चढ़ गया और स्थानीय समस्या को लेकर कुछ बोलने लगा। इसके बाद गांव के प्रधान के कुछ साथ के लोगों ने मना किया। इसी दौरान धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हुई। कार्यक्रम में आई हुई पुलिस भी उस समय मौजूद थी। अरे यहाँ कैंप लगा था यात्रा का, और वहाँ पर जब हमारे प्रधान जी, हमारे साथीगढ़ और कर्मचारीगढ़, जितने हमारे सफाई कर्मी थे हमारे गाँव में, हमारे बुजुर्ग निवासी में, सभी लोग जाकर कहने लगे कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई आपत्ति है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन आधार कार्ड हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, जल के बारे में और पशु चिकित्सा के बारे में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, वहाँ पर अधिकारी गढ़ाए हुए हैं, आप उनसे चल करके नम्र निवेदन करिए, आपका वहाँ पर काम होगा। और हम लोग सुने, अपने काम में बजे थे, काम छोड़ करके थोड़ा लेट में पहुँचे, कुछ अधिकारी गढ़ चले गए थे वहाँ से, कुछ लोग थे, और जब कोई लोग नहीं बोल पाए, हमारे गाँव की माताएं बहनें थीं और हम लोग वहाँ पर गए, तो वो बोले कि बेटा आप कुछ कहो। मैं यहाँ वो माइक उठाया और बोला कि हमारे जितने साथी गढ़े, हमारे ग्राम सभा निवी बुजुर्ग के जितने लोग हैं, अगर आप लोग सुविधा लेने के लिए आए हैं तो हमारे अधिकारी घर से बोली हैं कि नहीं बोली। मैं केवल इतना बोला तो हमारे ग्राम पंचायत के मित्रगढ़ हैं, वो संजय यादव जो अपनी जो कि धर्म पत्नी का वो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के दौरान जो आए वो हमको कालर पकड़े और उसके बाद घीस करके लेकर गए, वहाँ पर कहें चमार सियार की भी गाली दिए, इसी बात नहीं कि गाली दिए, और उसके बाद प्रधान जी भी आए, वो माँ बहन का भी गाली दिए। जब माँ बहन का गाली दिए उसके बाद मामला बढ़ गया, वहाँ पर एक साहब भी थे, पुलिस थी भी वहाँ पर, प्रशासन भी एक लोग थे वहाँ पर, उनसे बातचीत हुई और तुरंत शासन प्रशासन आई। और जो कि हमें बुरा यह लगा कि माँ बहन की गाली दी, जातिवाद पर लेकर के गाली दिए कि क्या कर लोगे तुम सभी है, आज सुबह भी मुझे धमकी दिए हैं मारने के लिए, फिर कल थाने पर गया तो ये मुकदमा करने के लिए, तो वहाँ पर लोग सुलह करने के लिए पहुँचे। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो हम भी गए, प्रधान जी भी गए, प्रधान जी के साथ साथ एक लड़का भी, ये भी, इसको भी लोग मारे थे, विश्वजीत नाम है। और उसके बाद जब वो 3 बजे के लपेट में
वहाँ कम कितना हो भी आए होंगे प्रधान, तो 20 प्रधान आए होंगे, 20 प्रधान, और हम लोग के साथ दो चार लोग थे, कोई जा नहीं पाया था जी। वहाँ पर एक लोग थे जी पुलिस के साथ, वो अभी मुझे एक थप्पड़ मारे हैं। आज एप्लीकेशन दिया हूँ, मतलब लिखवाया हूँ, तुम इस लड़के का नाम बोले हैं, वो अंदर गया, केवल पूछे क्या नाम है, क्या क्या करते हैं, बस उतना ही छोड़ दिए। ये कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत, अभी तक जो संज्ञान में आया यह है कि कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत वहाँ पर एक कोई लड़का मंच पे जाकर माइक से कुछ बोलने लगा, जिसमें प्रधान में जिस ऑब्जेक्ट किया, इस लोग के वहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी जांच इंस्पेक्टर राजेश को सौंपी गई है, जो मुबारकपुर के इंस्पेक्टर है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 20 दिसंबर को शाम 7 बजे उप श्रमायुक्त शशिकांत पांडे को फोन पर सूचना मिली कि घोसरी पट्टी शेरा चौक बिलरियागंज ईट भट्ठे पर कुछ मजदूरों को बधुआ श्रम के अंतर्गत बंधक बनाया गया है। बधुआ मजदूरी की सूचना के क्रम में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर थाना क्षेत्र बिलरियागंज के घोसरी पट्टी शेरा चौक ईट भट्ठा से कुल 23 श्रमिक महिला पुरुष व उनके बच्चे निवासीगंज जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश को बंधुआ श्रम से मुक्त कराकर श्रम विभाग द्वारा ईट भट्ठा स्वामी के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए श्रमिकों की इच्छानुसार ईट भट्ठा स्वामी से रास्ते का खाना खुराकी व किराया आदि की व्यवस्था कराकर श्रमिकों को सकुशल निजी वाहन से उन्हें उनके गृह जनपद अमरोहा वापस भेजा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली से एक पत्र आया है, शिकायती पत्र था, जो जिलाधिकारी के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त हुई थी। जो यहाँ पर हमारा जो थाना है मुबारकपुर तहसील सगड़ी में एक गांव है घोसड़ी पट्टी, वो तबरेज का बीके एक ईंट भट्ठा था, जिसमें कि संभल और अमरोहा के जो 23 श्रमिक थे वो काम करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अभी अपनी झुग्गी झोपड़ियां ही बना पाई थी। 17-12 को आए थे और कल ये शिकायत प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमारे जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं शशिकांत, देवेंद्र और विशाल और अन्य जो अधिकारीगण वहाँ गए और उन्होंने उन श्रमिकों को मुक्त कराते हुए और एक वाहन बस करा के उन्हें अपने गृह जनपद भेज दिया है। बंधुआ श्रमिक जैसी कोई भी स्थिति प्रकाश में नहीं आई कि क्योंकि उन्होंने अभी तक काम नहीं किया था, वो स्वेच्छा से अपने घर जाना चाहते थे और इस प्रकार उन्हें बस में बैठाकर सुरक्षित उनके अपने गृह जनपद भेज दिया गया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इस प्रकार की जो आख्या है वो प्रेषित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को अपने भ्रमण दिवस के दौरान कक्षा 1 से 8 तक संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर शिक्षा क्षेत्र पलहनी आजमगढ़ का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने छात्रों से पढ़ाई लिखाई एवं मिड डे मील की संबंध में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने छात्रों से प्रत्येक दिन विद्यालय आने एवं पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर को भी चेक किया। जिलाधिकारी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलहनी जाफरपुर में विद्यालय के रसोई में बन रहे भोजन की गुणवत्ता की जाँच किया एवं निर्धारित मीलों के अनुसार छात्रों को मिड डे मील देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को खेल के मैदान का सुंदरीकरण कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 410 छात्रों में से 278 बच्चे उपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में आने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायत हरिहरपुर विकासखंड पलहनी का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत सहायक कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित कर्मचारी से आय जाति निवास आदि बनाए जाने के संबंध में जानकारी लिया। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड की खिड़कियों की मरम्मत एवं जाली लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने मरीजों से उनके इलाज दवा एवं खाने आदि की जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने मरीजों के BHT फाइल का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने मेडिसिन स्टोर इमरजेंसी के मेडिसिन ट्रैक फिजिशियन कक्ष वार्ड माइक्रोस्कोपिक सेंटर एवं रिपोर्टिंग कक्ष आयुष्मान भारत कक्ष एवं रजिस्ट्रेशन कैश काउंटर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने प्रस्तावित प्राचीन शीतला माता स्थल हरिहरपुर आजमगढ़ के पर्यटन विकास का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 19 आजमगढ़ को कार्य को निर्धारित समय में तेज गति से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बुधवार की देर शाम को एसपी कार्यालय के प्रधान लिपिक सहित 4 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया। साथ ही इन सभी पुलिसवालों के खिलाफ जांच करते हुए सभी तथ्यों की जल्द से जल्द रिपोर्ट तलब किए जाने के निर्देश दिए। जिन पुलिस कर्मियों पर गांज गिरी है उन सभी पर चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में लापरवाही और न्यायालय के प्रमुख मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप है। एसपी के इस एक्शन से मातहतों में हड़कंप मचा हुआ है। जिन पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसमें एसपी कार्यालय के प्रधान लिपिक दुर्गेश सिंह, उप निरीक्षक मेहरे आलम थाना सिधारी, आरक्षी सत्य प्रकाश थाना सिधारी, आरक्षी धीरज गुप्ता थाना बिलरियागंज तत्कालीन नियुक्ति थाना सिधारी का नाम शामिल है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इन चारों पुलिसवालों पर आरोप है कि यह लोक जनपद में माननीय उच्च न्यायालय संबंधी प्रकरणों व चरित्र सत्यापन में लापरवाही बरतने हैं। बता दें कि सरकारी नौकरी, शस्त्र लाइसेंस, ठेकेदारी के लाइसेंस सहित अन्य प्रमुख मामलों में आवेदकों के चरित्र का सत्यापन पुलिस करती है, लेकिन जब पुलिस ही चरित्र सत्यापन में लापरवाही बरतने लगे तो कई सही लोगों का गलत और गलत लोगों का सही चरित्र प्रमाण पत्र आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जांच की जा रही है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय संबंधित प्रकरणों व चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन में लापरवाही बरतने के लिए 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सभी को निलंबित किया गया है, जिसमें एक प्रधान लिपिक, एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल है। इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद इन सभी खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय संबंधित प्रकरणों व चरित्र सत्यापन में लापरवाही बरतने के लिए 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। इनको निलंबित किया गया है, जिसमें एक प्रधान लिपिक, एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चालू की गई है। विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट आने के उपरांत इन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Lifestyle Furniture, Belnadi, Ajamgarh. सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।